वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुरुग्राम पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर लोगों को गुमराह करने में एक्सपर्ट है। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र को हर हरियाणवी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का निर्णय मुख्यमंत्री का होता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने के लिए काम कर रही है और हम सब मिलकर उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके पीछे मजबूती से। हुड्डा जी आपको बता रही है कि उनकी सर्वे रिपोर्ट बता रही है कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को विजय सुनिश्चित है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको हरियाणा के लोगों ने पहले परखा है, उनके भ्रष्टाचार के कारण हरियाणा के लोग भली भांति जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की समझदार जनता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती से विजयी बनाएगी और हुड्डा जी फिर एक बार विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। शायद वो गुमराह हो गए, मैंने उनको आमंत्रण दिया है कि वो वापस पार्टी में आ जाए, विड्रॉ करें और मुकेश अग्रवाल जी को अपना समर्थक दे, नहीं तो ये पक्का है कि उनका डिपॉजिट भी वो हारेंगे और फिर उनके लिए बाजी बाजी दरवाजे परमानेंट के बाजी।